नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे। आज हम बात करेंगे लेटेस्ट डेटा, वो भी परिवहन से संबंधित। तो दोस्तों, परिवहन की यदि मैं आपसे बात करूं तो परिवहन स्थल रूप में भी होता है, जल रूप में भी होता है और वायु के माध्यम से भी परिवहन किया जाता है। पर वर्तमान में भारत की यदि हम बात करें तो भारत में सर्वाधिक परिवहन का उपयोग सड़क मार्ग से किया जाता है। ये सड़क मार्ग के द्वारा जो हम परिवहन करते हैं, ये रोडों के माध्यम से भी होता है, रेलवे के माध्यम से भी होता है, पाइपलाइंस के माध्यम से भी होता है। ये जो परिवहन है, इसके अलग अलग स्वरूप होते हैं, कुछ लंबी दूरी के होते हैं, कुछ छोटी दूरी के होते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं इस पूरे परिवहन के ऊपर, चाहे वो स्थल परिवहन हो या जल परिवहन हो, इसके लेटेस्ट डेटा की भी मैं आपसे लगातार चर्चा करूंगा। कौन सी लगातार चीजें बदली हैं, किसका नामकरण बदला है, इन सभी चीजों की चर्चा होगी। बस उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया दिवाली महाधमाका। अब यह दिवाली खुशियों वाली जो है, अब होगी आपकी पूरी और अच्छे से होगी आपकी तैयारी, क्योंकि उत्कर्ष लेकर आया है आपके लिए एक महाधमाका। यह धमाका 10 तारीख से लेकर लगातार आपके लिए 15 तारीख तक चलेगा। इसमें उत्कर्ष के जितने भी कोर्सेज हैं, इसमें आपको 90% तक की छूट दी गई है। साथ ही साथ आपके लिए जो टेस्ट सीरीज है वो भी फ्री दी जा रही है। और इतना ही नहीं, आपको 6 माह की जो वैलिडिटी है वो एक्स्ट्रा दी जा रही है, ताकि आपके सिलेक्शन में किसी भी प्रकार का कोई भी बाधा ना हो। दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, परिवहन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन की, सड़क परिवहन की बात करते हैं। तो सड़क परिवहन की यदि हम डिटेल देखना चाहें तो लेटेस्ट डेटा जो प्रेजेंट में अवेलेबल है NHAI की साइट से और विभिन्न लगातार सरकारी स्रोतों से हमें पता चलता है, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। पहला पॉइंट आपके सामने, सड़क नेटवर्क में भारत जो है वो कौन से स्थान पर आता है? दूसरे स्थान पर आता है। आगे बात करते हैं, सबसे नंबर वन पे कौन आता है? तो USA आता है। दूसरे में आते हैं भारत और तीसरे स्थान पर हमारा पड़ोसी चाइना ही आता नजर आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है, ये कब बना था? तो ये बना था 1988 में। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट की यदि हम बात करें तो ये कब का है? तो 1988 का ही नजर आता है। मध्य प्रदेश में या पूरे देश के किसी भी गच प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सन 2000 में। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट हो सकते हैं, सभी की सभी एक ही वीडियो में आपके सामने कवर करने वाला हूं। अच्छे से लास्ट तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, पहली रोडवेज जो बस है, पहली बस कब चली थी? तो जिस दिन हम स्वतंत्र हुए, 15 अगस्त 1947 को ही चली थी। अवध बस डिपो से चली थी, लखनऊ से बाराबंकी के बीच में चलती हुई नजर आई थी। दोस्तों, यदि हम रोडवेज की बात करें तो अलग अलग एजेंसियां इसमें काम करती हैं। इन एजेंसियों में आती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम NHAI कहते हैं। दूसरे नंबर पर नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो काम करती है। और तीसरे में इंडियन रोड्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन IRCC इसमें काम करती है। तो तीन तरह की चीजें, संस्थाएं इसमें काम करती हैं। परंतु नागपुर प्लान जो 1943 में आया था, इस प्लान के अनुसार भारत में सड़कों को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया था। पहला होता है नेशनल हाईवे, इसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। दूसरा होता है स्टेट हाईवे, इसे राज्य राजमार्ग कहा जाता है। तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट रोड्स, इसे जिला सड़कें कहा जाता है। और चौथी और अंतिम होती है विलेज रोड्स, इसे कहा जाता है ग्रामीण सड़कें। अब इसके बारे में और डिटेल की बात करते हैं, क्या क्या इसमें लेटेस्ट डेटा है, चलिए एक बार देखने वाले हैं। तो पहला, राष्ट्रीय महामार्ग जिसे हम नेशनल हाईवे कहते हैं, इसका जो नियंत्रण है, कंट्रोल कौन रखता है? तो इसका कंट्रोल रखता है केंद्रीय PWD या केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, इस पर नियंत्रण रखने का काम करता हुआ नजर आता है। जबकि स्टेट हाईवे की बात करें, राज्य हाईवे की बात करते हैं, तो राज्य हाईवे में सर्वाधिक रखरखाव का जो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है वो स्टेट सरकार की होती है। स्टेट सरकार इस पे पूरा रखरखाव मेंटेनेंस की निगरानी रखते हैं। और सबसे ज्यादा स्टेट हाईवे महाराष्ट्र राज्य में है, ध्यान रखिएगा। और प्रांतीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई कहां दिख रही है दोस्तों? तो महाराष्ट्र राज्य में ही इसकी सर्वाधिक लंबाई दिखाई देती है। वहीं पर बात करें डिस्ट्रिक्ट रोड की, तो जिला बोर्ड के अंतर्गत इसमें नियंत्रण रहता है। जबकि ग्रामीण जो रोड है, इसका रखरखाव किसी भी उस पंचायत के द्वारा किया जाता है जिस पंचायत में वो आती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो गांवों में प्रधानमंत्री सड़क योजना भी लाई गई है, जिसके तहत गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का काम किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अधिक डिटेल की बात करें, संस्थाओं की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है ब्रो से आशा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो लगातार
हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट काम करता है, सड़क बनाता है, पुल बनाता है और विभिन्न प्रकार के उपक्रमों को करता है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 7 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। इसने प्रोजेक्ट तुष्कर और प्रोजेक्ट बीकन के साथ अपने आप को स्थापित करने की प्रबल दावेदारी दिखाई थी। अब ये क्या है बीकन, इसकी बात थोड़ी देर से हम करने वाले हैं। आगे बात करते हैं ये किसके अंतर्गत काम करता है ब्रो, तो ये रक्षा मंत्रालय या डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। प्रेजेंट में इसके महानिर्देशक कौन है? तो राजीव चौधरी जी हैं। समय के साथ ये बदल जाएंगे, तो इसको अपडेट करते अपने आप को रहना है दोस्तों। ब्रो की यदि बात करें, सीमा सड़क संगठन की बात करें, तो ये हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र है, इन दूरस्थ क्षेत्रों में रोड बनाती है। यदि कोई नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी जाकर सड़क बनाना, पुल बनाने और रोडवेज के पूरे मेंटेनेंस का काम भी किसके द्वारा किया जाता है? ब्रो या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। ब्रो ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क भी अभी बनाई है जो उमलिंग दर्रे पर है। तो ब्रो के द्वारा बनाई गई सबसे एल्टीट्यूड की सड़क कौन सी है? तो उमलिंग दर्रे पर यह दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं सड़क संगठन की और संस्थाएं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की यदि मैं बात करूं तो प्राधिकरण के बारे में ये 1955 में बना, जबकि ये जो अधिनियम है संसद ने कब पारित कर दिया था, तो ये संसद ने 1988 में ही इसे पारित कर दिया था। मुख्यालय कहां है? तो नई दिल्ली में दिखाई देता है। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो संतोष कुमार यादव आईएएस जो है ये इसके अध्यक्ष दिखाई देते हैं। नेशनल हाईवे को क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग करने का जो काम है वो इसी के द्वारा किया जाता है। एनएचएआई का फुल फॉर्म पता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है दोस्तों। पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग की यदि हम बात करें तो किसके काल में बना, इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से जुड़ेगा, तो ये लॉर्ड डलहौजी के काल में बना था। जिला स्तर और ग्राम स्तर की सड़कों को बनाना, उसका मेंटेनेंस करना इत्यादि करना इसी का प्रमुख काम था। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो बात करें नागपुर योजना की, तो नागपुर योजना से जो 4 तरह की सड़कें बनाई गई थी, इनमें सर्वाधिक देखिएगा सबसे लंबी और सबसे अच्छी जो सड़कें होती हैं वो होती हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, ये पूरे देश में लगभग 2.9% है। स्टेट हाईवे की बात करें तो 2.84% है इंडिया में। जिला सड़कें 9.64% है। ग्रामीण सड़कें 71.42% नजर आती हैं। शहरी सड़कें 8.55% और परियोजना सड़कें, विभिन्न परियोजनाओं से बनाई गई जो सड़कें हैं वो 5.42% लगभग नजर आती हैं। ये डेटा लगातार चेंज होता रहता है, पर अभी एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसे बना दिया है। उत्कर्ष लगातार आपके साथ विभिन्न आयामों में अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ आपसे जुड़ते हैं, ताकि आपकी जो आप यदि दूर हैं, किसी कारण से आप इंदौर नहीं आ पा रहे हैं, तो लाइव भी जुड़कर आप अपने अध्ययन में किसी तरह की बाधा ना आए, इसके लिए हम हमेशा आपके साथ खड़े नजर आएंगे। तो देखिएगा भारत में लगभग 66,00,000 किलोमीटर लंबी कुल सड़कों का नेटवर्क भारत में बन चुका है, जो लगातार हर दिन आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। सड़क परिवहन में भारत अमेरिका के बाद दूसरे पर है, तीसरे पे चाइना दिखाई देता है। भारत में लगभग कितने नेशनल हाईवे है? तो भारत में लगभग 599 नेशनल हाईवे हैं। अधिकतम लंबाई किस राज्य में? तो अधिकतम नेशनल हाईवे सबसे ज्यादा है यूपी में, देन महाराष्ट्र में, फिर वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद कर्नाटक में नजर आती हुई दिखती है। आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट में बात करें तो भारत में राज्य राजमार्ग का विकास और रखरखाव स्टेट पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जाता है, जबकि डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जिला परिषद या पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ही इस पर काम करता हुआ नजर आता है। ग्रामीण सड़कों का रखरखाव ग्राम पंचायत करती है, बजाय वो जिस पंचायत के अंतर्गत आती है उन्हीं के द्वारा ये काम किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का घटता हुआ क्रम यदि बात करें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और इसी प्रकार से यह क्रम घटता हुआ नजर आता जाता है। पूर्वोत्तर की बात करें, नॉर्थ ईस्ट राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा असम में है, फिर अरुणाचल में है, फिर मणिपुर में राज्य सड़कें जो है वो घटती हुई नजर आती हैं। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27E है। यदि आप गूगल करेंगे ना तो आपको NH-44 भी मिलेगा, तो जब भी ये आए तो NH-27E यदि दिया है तो ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। बट यदि ऑप्शन में नहीं है तो भारत के
दूसरे सबसे लंबे नेशनल हाईवे जो NH-44 है, इसे आप क्या कर दीजिएगा, नंबर वन लगा दीजिएगा। वैसे एक खुद एक विवाद का विषय है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो कैंसिल ही होने की संभावना अधिक रहेगी, या ए और बी, या जहां पर भी ये दोनों ऑप्शन होंगी वो ऑप्शन सही होना चाहिए। NH-44 कहां से आता है, तो भाई जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने का काम करता है। उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम, जम्मू कश्मीर से यदि आप कन्याकुमारी को देखेंगे तो ये NH-44 है, जबकि गुजरात से लेकर पोरबंदर से लेकर यदि आप असम के सिलचर तक चले जाएं तो ये NH-27E है। तो NH-27E जो दिखाई देता है ये NH-27E क्या हो जाता है, तो यहां पर NH-27E पूर्व पश्चिम गलियारा है, वही NH-27E बन जाता है। तो उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारी उत्तर प्रदेश के कहां पर मिलते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी में मिलते हुए नजर आते हैं। और आगे बात करते हैं तो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH-327B है। कौन सा है दोस्तों, NH-327B है, और ये NH-327B कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, पानी की टंकी से चालू होता है, मेची पुल तक जाता हुआ नजर आता है। अब हम बात करते हैं बहुत सारे नेशनल हाईवे की, तो NH-27, इसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहा जाता है, पूरा पश्चिम गलियारा कहते हैं, जबकि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक को NH-44 के नाम से जाना जाता है। ये है महानगर, चार महानगरों को आपस में जोड़ना, इसे कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो दिल्ली को मुंबई, मुंबई को चेन्नई, चेन्नई को कोलकाता, कोलकाता को आगरा होते हुए दिल्ली से जोड़ने का काम करता है। तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई NH-48 के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जबकि चेन्नई और कोलकाता NH-16 से जुड़े हैं, कोलकाता से आगरा NH-19 से जुड़े हैं, और आगरा से दिल्ली NH-44 से जुड़े हुए। इट मींस 48, 44, 16 और 19 के माध्यम से ये पूरे के पूरे महानगर आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, झांसी में ये दोनों मिलते हुए नजर आते हैं। NH-327B जो था, जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, वो देखिए पश्चिम बंगाल में पानी की टंकी से चालू होकर नेपाल बॉर्डर पर मेची पुल जगह तक जाता हुआ नजर आता है। तो सबसे छोटा हो गया 327B। NH-1 जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है, NH-2 असम के डिब्रूगढ़ से चालू होकर मिजोरम को जोड़ता है, NH-3 लगातार पंजाब को अटारी लेह से जोड़ता है, NH-4 ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी पर है, इसलिए NH-4 कहां है, तो अंडमान निकोबार में नजर आता है। NH-7 की बात करेंगे तो पंजाब के फजिलका से चालू होता है, और जो हमारे धार्मिक क्षेत्र हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में चार महानगरों को जोड़ना है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई NH-48 से जुड़े हैं, चेन्नई से कोलकाता को जोड़ा गया है NH-16, कोलकाता से आगरा को जोड़ा गया NH-19, और आगरा से दिल्ली को जोड़ा गया है NH-44 के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट देखते चलिएगा NH-48, इसकी प्रैक्टिस आप बार बार करते रहिएगा, देखिएगा कोई भी डेटा आपसे कभी गलत नहीं होगा। NH-48 की बात करें, मुंबई और चेन्नई को जोड़ने वाला मूल अधिकार, मूल पार्ट दिखता है, विभिन्न राज्यों से होकर जाता है, चेन्नई और कोलकाता को NH-16 से जोड़ा गया है, NH-44 आगरा दिल्ली के बीच में शेष भाग को जोड़ता हुआ नजर आता है। प्रधानमंत्री, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, प्रधानमंत्री सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च की गई, और उन गांवों में सड़कों को जोड़ना है जहां 1000 से ज्यादा जनसंख्या रहती है। तो 1000 से ज्यादा जनसंख्या है तो हर वो गांव जहां 1000 से ज्यादा जनसंख्या रहती है वहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़कें बनी हुई नजर आने वाली है। स्टेट हाईवे, राज्य सड़कों का घटता हुआ क्रम देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में नजर आता है, स्टेट हाईवे की बात की गई है। NH-52 पंजाब से चालू होकर इंदौर होते हुए आगे कर्नाटक तक जाता हुआ नजर आता है। इसके बाद NH-46 मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में दिखाई देता है।
इंपॉर्टेंट जो पहले थे वही था। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका पुल है, जिसे भुठोला सदिया पुल कहते हैं। असम की सहायक नदी दिबांग पर स्थित, लोहित पर स्थित है, मूल रूप से असम को अरुणाचल से जोड़ने का काम करता हुआ नजर आता है, इसे ढोला सदिया पुल कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। जब बिहार में ये सबसे लंबा पुल बनने वाला है 2024 के अंत तक, तो ये खिताब इनसे छिनने वाला है, तो बिहार में सबसे लंबा पुल बन रहा है जिसे कहा जाता है कच्ची दरगाह बिंदपुर सेतु। और जैसे ही कच्ची दरगाह बिंदपुर सेतु बना, भारत का सबसे लंबा पुल बिहार में होने वाला है, असम से ये टैग छिन जाएगा, 9.76 किलोमीटर नजर आएगा। यदि भारत की सबसे लंबी सुरंग की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, जो NH-44 पर स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसे चिनानी नाशरी सुरंग या इसे ही कई बार पटनी टॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। तो पटनी टॉप हो, चिनारी नाशरी हो, या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग हो, इसी का नाम नजर आता है। आगे बात करते हैं, अटल सुरंग की बात करते हैं। अटल सुरंग भी अभी बनी हुई है, तो यह 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो 3000 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंगों में एक है, सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग में एक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी सुरंगों में एक अटल सुरंग है। ये लेह मनाली से होते हुए रोहतांग दर्रे के नीचे से बनाई गई है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंडिया के सबसे लंबे नेशनल हाईवेज कौन कौन से हैं, इनकी बात करते हैं, कौन कौन से पॉइंट नजर आते हैं। तो भारत में एक परियोजना है, भारत माला परियोजना। चूंकि भारत में 9 तटीय राज्य हैं, तो इन 9 कोस्टल स्टेट्स को कैसे करके आंतरिक राज्यों से जोड़ा जाए, जिससे बंदरगाहों के माध्यम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम को और व्यवस्थित किया जा सके, इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के ने इस योजना का बात की गई और लगातार इसमें सुधार भी किया है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अभिन्न अंग के अंतर्गत देखा जाता है। इसमें भारत के जितने भी समीपस्थ राज्य हैं, इन्हें बंदरगाहों से पोर्ट से जोड़ने का काम किया गया है। गुजरात, राजस्थान से चालू कर पंजाब, फिर हिमाचल, पूर्वोत्तर भारत, सभी को आपस में कनेक्ट करती हुई यह योजना नजर आती है। यदि मैं बात करूं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करें, तो ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ने सोचा था 2001 में, कि भारत के चारों प्रमुख महानगरों को क्यों ना आपस में जोड़ दिया जाए, ताकि जो परिवहन व्यवस्था है, माल लाने ले जाने की व्यवस्था है, इसे और प्रगाढ़ किया जा सके और तीव्र किया जा सके। तो दोस्तों, ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ये NHDP के द्वारा प्रथम चरण में बनाई गई थी। इसमें 4 मेगा सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में जोड़ने की बात थी, वो भी सड़क मार्गों से। इसमें उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा दोनों को निर्मित किया गया। तो उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, जबकि पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ता हुआ नजर आता है। आपके सामने कुछ प्रमुख, आपके सामने आप देखिएगा टॉप एक्सप्रेसवेज लिखे हुए हैं, जहां पर बहुत तेज गति से गाड़ी चलाई जा सकती है, जेट विमानों को उतारा जा सकता है। तो एक्सप्रेसवे कौन से हैं? तो सबसे पहला अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे 93 किलोमीटर ऊंचा लंबा है, गुजरात राज्य में है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसे KGP भी कहते हैं, 135 किलोमीटर है, हरियाणा यूपी में दिखाई देता है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर, वडोदरा मुंबई 1380 किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी 1380 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली से होकर कटरा तक जाने के लिए 398 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, जबकि नाकोडरा अमृतसर होते हुए कटरा जाने के लिए जो एक्सप्रेसवे है वो केवल 99 किलोमीटर लंबा नजर आता है। तो एक्सप्रेसवे मुंबई वाले को ध्यान विशेष रूप से रखना है दोस्तों। बेंगलुरु चेन्नई 258 किलोमीटर, वाराणसी से कोलकाता जाने का जो एक्सप्रेसवे है दोस्तों, ये 652 किलोमीटर लंबा है। और विभिन्न प्रकार के एक्सप्रेसवे हैं, पर इनमें से ऊपर के दिए हुए, इनमें से ये वाले जो 1380 किलोमीटर वडोदरा मुंबई हो या दिल्ली मुंबई हो, इसे बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के रूप में नजर आते हैं।
कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं। अब हम बात करें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करें तो भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे है जो 1380 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में यदि हम बात करें तो जून 2024 तक इसके कंप्लीट होने की पूर्ण होने की संभावना दिखाई देती है। आधारशिला 9 मार्च 2019 को रखी गई। कितने लेन का है तो 8 लेन का है दोस्तों, और इसे न केवल 8 तक रखना है, इसे 12 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है, इतनी चौड़ाई का यह दिखाई देता है। तो अच्छी बात है, देश में अच्छी सड़कें होंगी तो देश का विकास और मजबूत होता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे की। जितने लेटेस्ट है ना सबको एक बार में कवर कर लेते हैं। तो गंगा एक्सप्रेसवे जो है ये 594 किलोमीटर लंबा है, मेरठ से चालू होता है और यूपी में ही प्रयागराज में जाकर समाप्त होता हुआ नजर आता है। 18 दिसंबर 2021 के दिन इसकी आधारशिला रखी गई। कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। एक्सप्रेसवे का आरंभ होता है मेरठ से और समापन होता है प्रयागराज से। विशिष्ट बातें यदि हम देखें तो पूर्वी यूपी को पश्चिमी यूपी से जोड़ने का काम करता हुआ नजर आता है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किसने किया तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने खुद ही करके दिखाया है कि भाई ये काम हम खुद करके दिखाएंगे, अच्छा बनेंगे, गुणवत्ता युक्त करके दिखाएंगे। इसमें 12 जिले इसमें शामिल हैं, इसको आपको ध्यान रखना था। आगे बढ़ते हैं, अगला है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, 296 किलोमीटर लंबा नजर आता है। तो एक हो गया, दूसरा हो गया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, 296 किलोमीटर लगभग लंबा दिखाई देता है। 29 फरवरी, ध्यान रखिएगा इस डेट को, 29 फरवरी 2020 को इसका आधारशिला मोदी जी द्वारा रखी गई थी। उद्घाटन हो गया 16 जुलाई 2022 को। सोचिए कितनी स्पीड से, कितनी गुणवत्ता पूर्वक काम किया गया होगा, तेजी से काम किया गया है, इसका ध्यान रखना है। जालौन से चालू से मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। लगभग 296 किलोमीटर लंबा है। एक्सप्रेसवे चित्रकूट से इटावा को जोड़ता है, चित्रकूट से इटावा को मूल रूप से जोड़ने का काम करता है। विशेष तथ्य में याद रखना, 7 जिले इसमें शामिल हैं जिनमें चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा इसमें पूर्ण रूप से शामिल नजर आते हैं। इसको बनाने का काम भी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास निगम के द्वारा किया गया है। आगे बात करते हैं, तीसरा तो सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य भी कौन सा है, यूपी हो गया। तो तीन हो गए, तीसरे एक्सप्रेसवे का नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। कौन सा एक्सप्रेसवे, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अब हम बात करने वाले हैं। तो तीसरा प्रमुख एक्सप्रेसवे है जो 2018 में आजमगढ़ से प्रधानमंत्री जी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। 2021 को यह कंप्लीट हो गया। 341 किलोमीटर लंबा है, जो प्रारंभ और समापन कहां से होता है तो लखनऊ से चालू होता है और गाजीपुर में जाकर इसका विलोपन होता है, समापन होता है। वर्तमान कंडीशन की बात करें तो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जहां परिचालन चल रहा है, कंप्लीटली पूरा चल रहा है एक्सप्रेसवे, पूर्ण रूप से बन चुका पहला है। कितने जिलों से जाता है तो 9 जिलों से होकर जाने वाला एक्सप्रेसवे है। लड़ाकू विमानों को भी इन एक्सप्रेसवे में उतारा जा सकता है, इसका बारे में आपको ध्यान रखना था दोस्तों। अब आते हैं मध्य प्रदेश के कुछ एक्सप्रेसवे जिनमें इंपॉर्टेंट है। नर्मदा एक्सप्रेसवे बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, नर्मदा नदी के समानांतर चलता है। तो नर्मदा एक्सप्रेसवे कितने फील्ड है तो 6 लेन वाला ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे ये बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार इसे अप्रूव कर चुकी है 906 किलोमीटर का कि आप इतना बनाइए, पर बनना कितना है तो बात की गई थी 1265 किलोमीटर लंबे की, 906 अभी अप्रूव हुआ है। इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो गुजरात, एमपी और छत्तीसगढ़, गुजरात, एमपी और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को आपस में कनेक्ट करेगा, जहां जहां नर्मदा नदी के उद्गम क्षेत्र से अंतिम मुहाने तक दिखता है। कहां कहां होगा तो अनूपपुर, उमरिया, अनूपपुर, नरसिंहपुर, डिंडौरी, हरदा, बड़वानी, होशंगाबाद, जबलपुर, मंडला, खड़गोन, खंडवा, अलीराजपुर जैसे 11 जिलों से। कितने जिलों से दोस्तों, तो 11 जिलों से यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा, जो कितने फील्ड, कितने लेन का है तो 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे है। इसका नया नाम हो गया है नर्मदा प्रगति पथ। तो याद रखिएगा, नर्मदा प्रगति पथ इसका नया नाम है। तो याद रखिए, इसका नया नाम नर्मदा प्रगति पथ है।
इसके अलावा एक और एक्सप्रेसवे जिसकी बात करना है, इसका नाम है चंबल एक्सप्रेसवे, जो चंबल नदी के समानांतर चलता है। ये 6 लेन का ना होकर कितने लेन का है, ये 4 लेन का बन रहा है। कितने किलोमीटर लंबा, तो 423 किलोमीटर लगभग लंबा दिखाई देता है। इसका नया नाम कर दिया गया है अटल प्रगति पथ। क्या कर दिया गया है, अटल प्रगति पथ कर दिया गया है। यूपी के इटावा को राजस्थान के कोटा से जोड़ता हुआ नजर आता है, आपस में जोड़ेगा मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना भिंड जैसे जिलों से होकर ये आगे बढ़ेगा। तो श्योपुर मुरैना भिंड से होकर जाएगा, चंबल नदी के समानांतर चलने वाला प्रमुख एक्सप्रेसवे नजर आता है। अब इतने एक्सप्रेसवे की बात की है तो थोड़े से डिफेंस की बात करने की भी बनती है। तो चलिए एक बार बात करते हैं कि डिफेंस एक्सप्रेसवे कहां कहां बन रहे हैं। तो डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं तमिलनाडु और दूसरा बन रहा है यूपी में। आखिरकार ये डिफेंस कॉरिडोर क्या होते हैं, तो डिफेंस कॉरिडोर से आशय है दोस्तों कि जो डिफेंस के उपकरण अलग अलग जगह पे बनते हैं उन शहरों को आपस में क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। तो इन्हें कनेक्ट करने के लिए जो बनाई गई योजना है इसे डिफेंस कॉरिडोर कहा जाता है। इसमें यूपी में 6 नोड हैं, 6 जगह हैं, जिनमें अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ को आपस में जोड़ना है, जबकि तमिलनाडु में गलियारा जो बनाया जा रहा है ये चेन्नई को तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, शेषम और होशुर को आपस में जोड़ना है। क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इंपोर्ट को कम कर सकें, हम खुद पर आत्मनिर्भर हों, इसीलिए मेक इन इंडिया के माध्यम से इसे और अधिक प्रगाढ़ बनाने का काम किया जा रहा है। और भी बात करते हैं, बहुत सारी चीजों की मुझे बात करनी है। अब मैं बात करता हूं जीटी रोड की, ग्रांड ट्रक रोड की। तो भाई जीटी रोड तो आप पढ़ते ही हैं, इसे किसने बनाया था, तो शेरशाह सूरी के साम्राज्य काल से लगातार अलग अलग चरणों में इसे और बनाया गया है, रिबिल्ड किया गया है। भारत में जीटी रोड के जनक किसे कहा जाता है, तो जेम्स ऑकलैंड को कहा जाता है। जो भी एग्जाम के लिए काम का है वो आपके साथ जरूर मिलेगा। पेशावर से कोलकाता को जोड़ने की बात की गई थी, पेशावर कोलकाता जोड़ने की बात की गई थी। लगातार इसमें समय समय पर चेंजेस होते रहे हैं। अब आते हैं अटल सुरंग के बारे में, इसकी बात मैं थोड़ी सी पहले हमने कर ली थी। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर हिमाचल प्रदेश में लेह को मनाली से जोड़ने वाला ये बनाया गया है, जो पीर पंजाल श्रेणी है, लघु या मध्य हिमालय की जो श्रेणी है ये है पीर पंजाल श्रेणी। इस पीर पंजाल श्रेणी में रोहतांग दर्रे के निकट इसे बनाया गया है ताकि हर समय इसे आवागमन किया जा सके। ये लगभग 9.2 किलोमीटर लंबा है, 3000 मीटर की ऊंचाई में स्थित प्रमुख सुरंगों में एक नजर आता है। आगे बात करते हैं दोस्तों शिंकुला दर्रा। जी हां, शिंकुला दर्रा क्यों है, करंट में इंपॉर्टेंट है। शिंकुला की बात की जा रही है, इसलिए की जा रही है क्योंकि ये सड़क जो लिंक की जा रही है वो लगभग 4.1 किलोमीटर लंबी है और नीमू पदम दारचा नामक स्थानों से आपस में जोड़ती हुई नजर आती है। शिंकुला दर्रे का निर्माण शिंकुला दर्रे के निकट किया गया है। इसके अलावा ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पर स्थित है और यहां से आवागमन आसान हो सके इसीलिए इसका निर्माण किया गया है। तो ये लेह लद्दाख को जस्कर घाटी या जिसे आप कई बार जॉस्कर घाटी भी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश को आपस में कनेक्ट होने के लिए बनाया गया। इसे भी किसने बनाया है, ब्रो ने बनाया है। अब आप मुझे बताओ क्या होता है ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। अब हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करने वाले हैं जलयान के बारे में बात करने वाले हैं। तो जलयातायात की यदि हम बात करें तो इसके मंत्री जो ऑनरेबल मिनिस्टर पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज के हैं, ये हैं पूर्व असम के मुख्यमंत्री श्री सर्वानंद सोनेवाल को, सर्वानंद सोनेवाल जी को इसका मंत्री बना दिया गया है। ये जो प्राधिकरण बना था अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ये बना था 1986 में, जबकि इससे पूरे देश में 95% आयात निर्यात के माध्यम से व्यापार करना संभव होता है। फिर से याद रखिएगा, लगातार 90% तक का ऑफर दिया जा रहा है दोस्तों। तो ये जितने भी कोर्सेज आपको उत्कर्ष ऐप में दिख रहे हैं उसमें 90% तक का ऑफर एमपीपीएससी के लिए आपको दिया जा रहा है। इसमें 90% तक ऑफ आपको मिल रहा है, फ्री टेस्ट सीरीज इसके साथ आप जैसे ही इसको परचेस करेंगे आपको मिलेगी। साथ ही साथ
छह महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिलने वाली है। तो दिवाली धमाके का जरूर आप फायदा उठाइए। 10 तारीख से 15 तारीख तक ये ऑफर है, बिल्कुल इसे तुरंत ग्रैब कीजिए, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। यदि हम बात करें वाटरवेज की, तो वाटरवेज में बहुत सारे वाटरवेज हैं जिनकी हमको बात करनी है। इन वाटरवेज में बहुत सारे चैनल्स हैं जिनमें गंगा जो वाटरवेज NW1 नेशनल वाटरवे नंबर 1 कहा जाता है, NW2 जो सादिया से दुबरी तक है इसकी बात करनी है, NW3 की यदि हम बात करें तो उद्योग मंडल कैनॉल की बात करें, NW4 की बात करें तो ब्राह्मणी नदी पर स्थित नजर आती है। तो डिटेलिंग हम करने वाले हैं। तो NW1 जो है ये प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ने का काम करती है, गंगा नदी पर स्थित है। NW2 सादिया से दुबरी के बीच में है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। NW3 की बात करेंगे तो कोल्लम को कोट्टापुरम से जोड़ती है, इट मींस वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के पश्चिम में जितने भी केरल में कयाल्स हैं, कयाल क्या होती हैं, जो लैगून झीलें, बेम्बनड, अष्टमुदी, पुनमाडा, इन सभी को जोड़कर बनाई गई कैनॉल है। NW4 की बात करें तो काकीनाडा या पुडुचेरी को जोड़कर बनाई गई है, जिसे बैकवाटर या इसे बर्किंगम नहर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा NW5 तालछेर धारमा के बीच में नजर आती है। राष्ट्रीय जलमार्गों की बात करें तो ये इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ती हुई नजर आती है, गंगा नदी मूल रूप से गंगा नदी पर है तो इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें NW2 की तो सादिया को दुबरी से जोड़ती है, मूल रूप से असम राज्य पर है और किस नदी पर नजर आती है, ब्रह्मपुत्र नदी पर नजर आती है। NW3 की बात करें तो कोल्लम को कोट्टापुरम से जोड़ती है, ये झीलों को आपस में जोड़कर बनाई गई है और 24 घंटे यहां पर दोस्तों एकमात्र है जो नेशनल वाटरवे है जिसमें 24 घंटे आप क्या चला सकते हैं, शिपिंग कर सकते हैं, जलयान चला सकते हैं। NW4 की यदि मैं बात करूं तो विजयवाड़ा को काकीनाडा पुडुचेरी से जोड़ती है, अर्थात ये कृष्णा और कावेरी जैसी नदी, कृष्णा और गोदावरी जैसी नदियों को आपस में जोड़कर बनाई गई है। तो कृष्णा और गोदावरी जैसी नदियों को जोड़कर बनाई गई ये कैनॉल नजर आती है। NW5 ब्राह्मणी नदी उड़ीसा तलछेर से धमंग के बीच में जोड़कर बनाई, धमरा के बीच में बनाई गई दिखाई देती है दोस्तों। और भी यदि हम रोचक चीजों की बात करें तो भारत में 13 अंतरराष्ट्रीय पोर्ट हैं, इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं। कौन कौन से पोर्ट्स हैं इनकी बात करने से पहले, भारत में व्यापार का 95% हिस्सा जल मार्गों द्वारा ही होता है और इसके लिए 13 बड़े और लगभग 200 छोटे बंदरगाहों का उपयोग किया जाता है। बड़े बंदरगाहों में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में दिखाई देते हैं, 3 प्रमुख दिखाई देते हैं, तूतीकोरीन, चेन्नई बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह दिखाई देता है, जबकि छोटे बंदरगाहों की सर्वाधिक स्थिति महाराष्ट्र राज्य में है। देखिए सब ये स्टैटिक डेटा है, याद करते चलना है, लगातार पढ़ते रहना है, एक बार में ना हो दो बार में ना हो तीन बार में समराइज करते चलिए, कॉपी में लिखते चलिएगा दोस्तों। तो न्यावा सेवा बंदरगाह जिसे GNPT जवाहर लाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है, सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट दिखाई देता है, साथ ही सबसे बड़ा आर्टिफिशियल या कृत्रिम बंदरगाह है। मुंबई की बात करें तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, वेस्टर्न कोस्ट या पश्चिमी तट पर दिखाई देता है। तो सबसे ज्यादा व्यापार करने वाला, सबसे बिजी रहने वाला पोर्ट भी कौन सा है, तो सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला बंदरगाह भी मुंबई है। कांडला कहां है, तो गुजरात में है, इसका नया नाम दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है, जो एक टाइडल पोर्ट है, ज्वारी बंदरगाह दिखता है। न्यू मंगलोर कर्नाटक का सबसे छोटा है, पारादीप उड़ीसा में है और यह कैसा है, तो स्वतंत्रता के बाद पूर्वी तट पर बनाया पहला बंदरगाह कौन सा है, तो याद रखिएगा पारादीप है। तूतीकोरिन कहां है, तो तमिलनाडु में है, बीओ चितंबनार नाम से भी इसे जाना जाता है, बीओ चितंबनार के नाम से भी इसे अब जाना जाता है। एन्नोर बंदरगाह की बात करें तो पहला कॉरपोरेट बंदरगाह व्यापारिक दृष्टिकोण से प्राइवेट सेक्टर द्वारा किया जा रहे व्यापारों में एक है एन्नोर। चेन्नई कहां है, तो चेन्नई सबसे पुराना ओल्डेस्ट पोर्ट नजर आता है पूर्वी तट पे। विशाखापट्टनम की बात करें तो सबसे गहरा है, ये डॉल्फिन नोज पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है, तो ये डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे, तो डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे कौन सा प्रमुख पोर्ट नजर आता है, तो इसके पीछे है विशाखापट्टनम।
ये प्रमुख बंदरगाह हैं दोस्तों, जिनमें कांडला गुजरात में है, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में है, मरमू गोवा जुआरी नदी के किनारे है, न्यू मंगलोर कर्नाटक में है, कोचीन केरल में है, बीओ चितम्बनार जिसे तूतीकोरीन भी कहते थे चेन्नई में है। चेन्नई में तीन प्रमुख है, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल जो पोर्ट है सबसे बड़े बंदरगाहों में है वो तमिलनाडु में ही है, एन्नोर चेन्नई और चितम्बनार। जबकि विशाखापट्टनम जो डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे है वो आंध्र प्रदेश में है, पारादीप उड़ीसा में, और कोलकाता हल्दिया ये वेस्ट बंगाल में नजर आते हैं दोस्तों। तो वही लिख दिया, तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई है, ये कृत्रिम या आर्टिफिशियल बंदरगाह दिखाई देता है और दूसरा प्रमुख व्यस्त बंदरगाहों में एक है। केरला की बात करें तो कोची में है, कोची केरल में कोची है, ये वेम्बनड झील के किनारे है। तो कौन सी झील के किनारे, तो वेम्बनड लेक के किनारे है, यहां से मसालों का स्पाइसेस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तमिलनाडु की बात करें तो एन्नोर है, भारत का पहला कॉरपोरेट जो पोर्ट है वो एन्नोर ही है। यदि वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में कोलकाता, ये एकमात्र रिवर पोर्ट है जो कोलकाता में है, ये हुगली नदी के किनारे दिखाई देता है, जिसे डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो इसे डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में कांडला है, ये भी एक ज्वारीय बंदरगाह है, टाइडल पोर्ट दिखाई देता है, ये सबसे बड़े वॉल्यूम के आधार पे वॉल्यूम हैंडल करने में प्रमुख दिखाई दे रहा है। यदि हम आगे बढ़ें और यदि हम कर्नाटका में मंगलोर की बात करें तो डील विथ आयरन, यहां के आयरन को ईरान देश में निर्यात किया जाता है इसलिए इसका इंपॉर्टेंस नजर आता है। गोवा की बात करें तो मरमू गोवा है, ये ऐश्वरी या ज्वार नदमुख पर स्थित है और ये जुआरी नदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों, तो जुआरी नदी के किनारे है मरमू गोवा बंदरगाह। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, सबसे व्यस्त रहने वाले बंदरगाहों में एक नजर आता है। यदि महाराष्ट्र की बात करें तो जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू या जिसे न्यावा शेवा भी कहा जाता है, आर्टिफिशियल बंदरगाह के रूप में दिखाई देता है और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट के रूप में दिखता है। ओडिशा की बात करें तो यहां पारादीप है, यह प्राकृतिक बंदरगाह है, यहां से आयरन तथा एल्यूमिनियम को जापान निर्यात किया जाता है। कहां निर्यात करते हैं हम, तो जापान निर्यात करते हैं। तमिलनाडु में तूतीकोरीन है, मेजर पोर्ट है, साउथ इंडिया का मेजर पोर्ट है, पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर जो हम उपयोग करते हैं उर्वरक, इनको आयात निर्यात करने में काम आता है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, मैंने बताया भी, इसके पीछे डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे बना हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डीपेस्ट सबसे गहरा बंदरगाह है जापान में, यहां से लोहे को भेजा भी जा रहा है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट नजर आता है। अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में है, तो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश में स्थित प्रमुख रूप से पोर्ट ब्लेयर नजर आता है। अब भारत के पूर्वोत्तर जाने के लिए हमको छोटे से, आप सभी जानते हैं कि ये देखिए चिकन नेक का सहारा लेना पड़ता है, बहुत सकरा मार्ग पहाड़ियों से होकर जाता है, इसलिए भारत ने क्या किया, अपने पड़ोसी देश म्यांमार से टाई अप किया और यहां की सितवे बंदरगाह को डेवलप करने का प्लान बनाया। इससे क्या होगा, म्यांमार भेजो, म्यांमार से सीधे पूर्वोत्तर राज्यों में जो भी हमें भेजना है आसानी से भेज दिया जाए। तो सितवे बंदरगाह की बात करें तो भारत द्वारा सितवे बंदरगाह का उद्घाटन 9 तारीख को, याद रखिए, सितवे बंदरगाह का उद्घाटन 2023 में किया गया है और यह कहां पर है, म्यांमार में है। इससे पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में आयात निर्यात करने में हमको फायदा नजर आएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों उस देश की जहां हमास के साथ युद्ध की स्थिति है, यह है इजराइल देश। इजराइल देश का एयरडोम सिस्टम बहुत फेमस है, पर भारत की एक कंपनी है अडानी ग्रुप, इस अडानी ग्रुप ने क्या किया, इजराइल में एक प्रमुख पोर्ट है, इस पोर्ट का नाम है हाइफा बंदरगाह, इस हाइफा बंदरगाह को अधिग्रहित कर लिया है और उसको डेवलप कर रहे हैं अपने अनुसार, ताकि हम अपने एंगल से, हम अपने अनुसार इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूरोप और तक कर सकें। तो किसने किया है, अडानी ग्रुप ने किया है और यह बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय परिप्रेक्ष्य से। तो इसराइल के वेपन सिस्टम और इसराइल इनोवेशन अथॉरिटी इसमें शामिल है, जो लगातार इसमें काम कर रही है। इसके अलावा दोस्तों स्प्रिंग ऑफ पर्ल की बात करें, भारत को हिंद महासागर में घेरने के एक नेगेटिव पार्ट काम कर रहा है चाइना, और चाइना क्या कर रहा है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, यहां के
पोर्ट्स को डेवलप कर रहा है, अपनी आर्मी बेस को लगातार यहां बिठाल रहा है। इनमें से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं, जैसे चितगोंग कहां है, तो चितगोंग को याद रखो भाई, चितगोंग कहां पर है तो म्यांमार में, पायरा कहां बना रहा है तो पायरा बांग्लादेश में बना रहा है, हम्बनटोटा कई बार एग्जाम में आया हुआ, हम्बनटोटा कहां है तो श्रीलंका में, और कोलंबो को ये डेवलप चाइना कर रहा है, पाकिस्तान में कराची को कर रहा है, इसके अलावा ग्वादर बंदरगाह को कर रहा है, खलीफा बंदरगाह को कर रहा है, बहुत सारे बंदरगाह हैं जिनको चाइना द्वारा क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, ताकि इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में उसकी पैठ बन सके। परंतु भारत कहां पीछे रहने वाला है, तो भारत ने इसे काउंटर करने के लिए भी अलग अलग देशों में अपने तरह से पोर्ट को डेवलप किया है, उनके साथ एमओयू साइन किया है ताकि अपनी प्रेजेंट को और बढ़ाया जा सके। इसके लिए ईरान में हम बना रहे हैं चाबहार बंदरगाह को, जिसे पाकिस्तान और चाइना दोनों को काउंटर किया जा सके। कहां पर? ईरान में। यूएई में भी हम काम कर रहे हैं, ओमान, सेशेल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर, रीयूनियन आइलैंड, फ्रांस के साथ हमने टाई अप कर लिया है। श्रीलंका में हम बात कर चुके हैं, मालदीव में किया है, डियागो गार्सिया जो यूके का है, यूके के कंट्रोल में, पर यूएसए वहां काम कर रहा है, वहां पर भी हम अपने नेवल बेस को रखने की बात कर चुके हैं। इस प्रकार बांग्लादेश, मालदीव, अंडमान, हर तरह से चाइना को काउंटर करने की योजना भारत ने बनाई है। और इसके अलावा यूरोप तक पहुंचने के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत काम का है। इस समय तो इंडिया और यूरोप को जोड़ने की बात की गई है, ये मुंबई से होते हुए अलग अलग देशों से होते हुए यूरोप तक जाएगा, जिसमें भारत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, इटली, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश, कलर देख लीजिएगा, जिस कलर में नाम लिखा है उस कलर का वो देश है। और यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाइए एमपीपीएससी उत्कर्ष पे, वहां पर देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, जो प्री से आने वाले प्रश्न होंगे उन एक्सपेक्टेड का पूरा सॉल्यूशन, की कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सभी की सभी को वन शॉट वीडियो में मैंने बना के दिखाया। तो आप इसका उत्कर्ष से फायदा उठाइए, ताकि आपके सिलेक्शन में हम आपके साथ रह सकें। जल्द से जल्द हम फिर मेंस में मिलें, फिर इंटरव्यू में मिलें, फिर उस खुशी के माहौल में शामिल हों जो सिलेक्शन की बात करता है। तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपीय इकोनॉमिक कॉरिडोर कहां से चालू होता है, तो भारत के मुंबई से, जाबेल अली से, रियाद होते हुए इसराइल के हाइफा, इसे कौन बना रहा है तो इसे अदानी ग्रुप काम कर रहा है, इसके बाद ग्रीस, पेरिस तक हमको जाना है, और आगे तक इटली होते हुए लगातार हमको स्पेन, पुर्तगाल तक जाना है। तो इसके लिए हमने ये काम किया है, इसी के कारण कई विवाद के क्षेत्र भी हैं, अनेक देश से हमसे रुष्ट भी होते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई दिवाली का जो ये ऑफर है, ये देखिए कितनी सुंदर लाइन लिख दी है कि यह दिवाली खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी होगी सिलेक्शन वाली, और ये सिलेक्शन केवल आपको उत्कर्ष परिवार के साथ देखेगा। आपके लिए दिवाली खुशियों भरी हो, इसके लिए अप टू 90% तक का आपको ऑफ दिया गया है। फ्री टेस्ट सीरीज जो भी आप एमपीपीएससी का कोर्स लेते हैं उसमें दी जा रही है, और इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको 6 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी कोर्स भी दिया जा रहा है। तो फिर बिल्कुल चूकिएगा मत दोस्तों, क्योंकि ये 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में तक ही ये ऑफर रहने वाला है। तो आप सभी को दोस्तों दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि देखिए ये दिवाली का पर्व आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। अगले साल आप किसी सरकारी बंगले पर ये दिवाली का त्यौहार मनाते हुए नजर आए, और फिर से उत्कर्ष परिवार और बड़ा होते जाए, हम सब मिलकर देश को और आगे बढ़ाएं। तो पूरे उत्कर्ष परिवार की ओर से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली।